जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं की हुई बैठक, पूर्व विधायकों सहित वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती मनाई गई। कोफली बाड़े में हुआ सभा का आयोजन। पानी हर हाल में बना आफत, कभी पानी को तरसा शहर तो कभी पानी में बह गई गृहस्थी। और खून के रिश्तों ने दिया दगा तो मिला भगवत भक्ति का सहारा, गोधूली वृद्धाश्रम में आनंद के दर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आई। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला भाजपा मुख्यालय में आज पार्टी संगठन की बैठक संपन्न हुई। जिला भाजपा मुख्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन में संगठन की जिला स्तरीय बैठक भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पूर्व मंत्री नाना भाव मोहोड, पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष कन्हई राम रघुवंशी, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव और वरिष्ठ भाजपा नेता विजय पांडे तथा कार्यालय मंत्री शिव मालवी सहित नेता पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार तथा आगामी दिनों में कार्यक्रमों को लेकर रूपरेखा बनाई गई। बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने केंद्रीय कृषि बिल को विस्तार से समझाया और बताया कि किस तरह यह बिल किसानों के लिए फायदेमंद है। कृषि व्यवस्था के सुधार और किसान कल्याण में यह बिल क्यों जरूरी है। जो हमारे जिले में सभी मंडलों की कार्यकारिणी बनी है, उसके महामंत्री बने, सभी महामंत्रियों को कार्यकारिणी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और उनकी उनकी कामना करते हुए ये कामना करता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी की नीति नीतियों को चलकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। आज जो बैठक है इसका महत्वपूर्ण विषय यह है कि हमारे देश में अगर अर्थव्यवस्था चलती है तो किसानों से चलती है और इस किसान को लेकर के भाजपा के पहले की जो सरकारें रही उन्होंने हमेशा किसानों पर दोहन किया है, किसानों को लाभ पहुंचाने का कोई कार्य नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानी नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए लगातार कार्य किए। इसके पहले किसान सम्मान निधि देश के लगभग 5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि देने का कार्य किया। इससे किसान साथियों को बहुत लाभ हुआ और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री सम्मान जी मोदी जी के द्वारा किसान विधेयक संसद के दोनों सदनों में पास हुआ। इससे निश्चित तौर पर किसान साथियों का जीवन उनकी दशा दिशा सुधारने के लिए काम होगा और मोदी जी ने जिस संकल्प के साथ 2014 में शुरुआत करी थी कि यह सरकार किसानों की सरकार होगी और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रयास हो सकता है, जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हो सकती है, इस विजय के माध्यम से किसानों को लाभ। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और श्री नानाजी देशमुख की जयंती मनाई गई और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए।
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और राजनेता जयप्रकाश नारायण का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण तथा जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख की जयंती पर पोफली बाड़ा में सभा का आयोजन कर उनके निडर और निर्भीक कृतित्व को याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर शहर के महान समाजसेवी सुगम मानस मंडल के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय जयदेव जैन, समाजसेवी शिक्षक स्वर्गीय संजय बनारसे तथा मजदूर नेता स्वर्गीय राकेश चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। आधार पर आपातकाल के विरोध का बिगुल बजाया था, उसमें छिंदवाड़ा में और पूरे देश में और विदेश में जितने भी संघ के सदस्यों को कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी सहयोग किया था। लोकतंत्र सेनानी संघ के सम्मानीय सदस्यगण, मातृशक्ति मोहन जी रोड़े, हमारे भूपानी जी, मधुकर जी, कुरैशी सहित सभी बंधुगण यहाँ पर हम सबके श्रद्धेय लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनकी जयंती को मनाने के दृष्टि से यहाँ एकत्र हुए। आज लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा स्थानीय श्री राम मंदिर गणेश चौक पोखलीवाड़े में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती का कार्यक्रम अभी संपन्न किया। आज हमारे लिए दोहरा योग है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उस समय के सक्रिय कार्यकर्ता श्री नानाजी देशमुख, आपका भी आज जयंती का कार्यक्रम था। हमने दोनों नेताओं को अपनी ओर से भावभीनी और पुष्पांजलि अर्पित की दीप प्रज्वलन करके, और जयप्रकाश जी नारायण ने जो समग्र क्रांति का एक हम लोगों को स्लोगन दिया था और 1970 में और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के विरोध में जो बिगुल उन्होंने बजाया था, उसी का परिणाम है कि आज देश में और पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक सरकारें चल रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश अगुवाई करते हुए और विश्व में अपनी प्रमुख पहचान बना रहा है, यह हम सब के लिए गौरव की बात है। निश्चित रूप से ऐसे बड़े नेताओं की जयंती पुण्यतिथि के कार्यक्रम आयोजित करना लोकतंत्र सेनानी संघ का अपना प्रमुख आयाम है। साथ ही आज हमने इसमें और हमारे सुगम मानस मंडल के अध्यक्ष, ज्ञानवर्धनी शिक्षा समिति के संरक्षक, पूर्व विभाग संघ चालक और जैन समाज के पुरोधा श्री जयदेव जी जैन, इनको श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही प्रमुख मजदूर नेता राकेश चतुर्वेदी और संजय बनारसी जी को भी इस अवसर पर लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। निश्चित रूप से हम आज और ऐसे नेताओं को जिनको हमने खोया है, उनको स्मरण करके उनके पद चिन्हों पर आगे बढ़ते रहेंगे या हमारा और उनके पद चिन्हों के माध्यम से और इस देश को आगे बढ़ाएंगे, यह हमारा संकल्प। आपकी आवाज बनकर आपकी समस्याओं को समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करता है आपका अपना ग्लोबल नेटवर्क सिटी हलचल के नाम से। ये है शहर के बीचों बीच वार्ड क्रमांक 41 चौक से कॉलोनी। पिछले कुछ सालों से बारिश का मौसम गुजारना कॉलोनी वासियों के लिए मुसीबत बन जाता है। वजह है दो गंदे नालों का संगम और जल निकासी के लिए उचित व्यवस्था न होना। 8 अक्टूबर की शाम हुई मूसलाधार बारिश ने यहां इस कदर कहर मचाया कि अब तक क्षेत्रवासी अपने घर व्यवस्थित कर घर का सामान रोड पर सुखाने के प्रयासों में लगे हैं। घरों में गंदे नाले का पानी घुस जाने से अनाज, गद्दे, सोफे, बिस्तर, कपड़े सब कुछ तहस नहस हो गया है। बाहर ठेले में अनाज सुखाती इस महिला को ही देखिए।
कैसे पानी भराते हो? नाली के है जो नाले का पुलिया नीचे पूरे नीचे है तो पानी नहीं निकल पाता तो अंदर आ जाता पूरा पानी और पूरा गेहूँ गीला हो गया, बर्तन बह गए, हमारे घर बनाने खाने तक के नहीं है हमारे घर कोई सामान। अभी जो बारिश में पानी आया था सभी के घरों में घुसा था, सभी के घर में घुसा था। और ये जो गंदगी कीचड़ सब पड़ी हुई है यहाँ पर कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। सब हमें शिकायत करे आपने? शिकायत करे आपने? वो अंकल ने भी किया शिकायत पर कोई नहीं सुनते। आखिर कौन सुनेगा इनकी? क्या वो जो पिछले निकाय चुनाव में नाला बनवाने, जल निकासी की व्यवस्था करने का वादा करके गए थे, या फिर वो जो सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं इन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर? बारिश से रहने वासी है और हमारे इधर टैंकर नहीं आया तो हमने ये गड्ढा का पानी से घर की सफाई करी है। ये सीवरेज के पानी से? हाँ, सीवरेज के पानी से। नाला आया था उसके बाद नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी वगैरह कोई नहीं आए? कोई नहीं आए। नाले का पानी घुसा था आपके घरों में? हाँ घुसा था ना। कितना पानी घुसा था? 3 फीट पानी घुसा था घर के अंदर। लगभग बहुत नुकसानी हुई, बहुत नुकसानी भाई। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? हम लोग हमारे घर में कॉलोनी में आपके यहाँ पर कॉलोनी में तो 15-20 परिवार लगभग। हाँ 15-20 घर के रहते हैं। इस मामले में जनता बेगुनाह हो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस समस्या की जड़ में अतिक्रमण भी एक बड़ी वजह है। शुरुआत में जो नाला पहलवान खली की तरह चौड़ा था वह यहां पहुंचते पहुंचते बॉलीवुड की स्लिम ट्रिम हीरोइन से भी पतला हो जाता है। नाला सकरा होगा तो लाजमी है बहेगा भी बेऔकात होकर। क्षेत्रवासियों को जल न सही पर अगली बरसात तक समाधान मिल जाएगा यही उम्मीद है। मैं संतोष पाल वार्ड नंबर 41 चौथे कॉलोनी में रहता हूँ। ये मेरा मकान है और 9 तारीख की शाम को जो तेज बारिश हुई उस तेज बारिश की वजह से घरों में बहुत पानी का भराव भर गया, जिसमें मेरी पत्नी और मेरी बूढ़ी माँ घर के अंदर ही फंस गई थी और कमर बराबर पानी था जिसमें पूरी चीज गीली हो गई और यहाँ पर रहने वाले जो घर है आसपास के इनके घर में पानी का भराव भर गया था। कारण क्या पानी भरने का? सबसे बड़ा कारण तो ये नाला है, नाला का पानी निकल नहीं पाता है और प्रशासन और नगर निगम में भी हमने सूचनाएं दी हुई है किंतु नगर निगम के कोई अधिकारी और वार्ड के दरोगा और पार्षद कोई नहीं आया देखने के लिए। यदि ऐसा रहा तो किसी दिन कोई बड़ी हादसा होने का संभावना रखती है मेरे को। ये जो कीचड़ और गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है तो इसके लिए भी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी कोई नहीं आया? यही घर के लोग ने रात के 2 बजे तक उस दिन सफाई की और कल भी की और आज भी की है सबने। आज तक अभी तक सफाई चल रही है और यहाँ पर आप नाली पानी भी नहीं आता है तो ये सिरप का पानी जो है ये सामने गड्ढा दिख रहा है आपका उसको पत्थर हटा के सबने अपनी अपनी सफाई किए हैं और प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की गई है। मैं प्रशासन से ये उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन इस समस्या पे ध्यान दे और आने वाली समस्याओं का निराकरण करे। आपका नाम? शहर के चिन्हित स्थलों चिन्हित क्षेत्रों में बारिश का मौसम हर साल मुसीबत बनता है, लेकिन जाने क्या मजबूरी है कि समस्या का समाधान नहीं मिलता। केसरी नंदन हनुमान मंदिर एक सिद्ध साधना स्थल है, लेकिन इस मंदिर के पीछे से बहने वाले गंदे नाले के इलाज के लिए लाख कोशिशों के बावजूद लोग ऐसे हैं जिन्हें न तो शिकायतों के समाधान से सरोकार है न ही उन्हें आवेदन पत्र दिखाई ही पड़ते हैं। इंसानों की तो छोड़ो पर देवालयों का तो ख्याल रखो साहब। जवाब केवल ऊपर ही नहीं भुगतान नीचे भी होता है। कई बार तो कई प्रयास कर सकते हैं जैसे अपना प्रयास सही। अब ये देखो नहीं कितनी कीचड़ वो तो रात भर 2-3 दिन मशीन चली।
पंडित जी ये बहुत अधिक पानी था ना, 2-2.5 घंटे। नहीं सर, ये जरा सी बारिश में पानी आ जाता है। लालबाग क्षेत्र बसंत कॉलोनी पूरी यहाँ जुड़ी हुई है। जय श्री राम। सर, ये छिंदवाड़ा के केसरी नंदन हनुमान मंदिर जो कि तिलक मार्केट में है, तो कल यहाँ पर ये स्थिति बनी कि सर हर साल तो बनती है, कल की बात नहीं, हर साल ही ये बनती है। हमने शासन प्रशासन को कई बार आवेदन दे दिए। मंदिर के बाजू में नाला है जो लालबाग क्षेत्र बसंत कॉलोनी कई क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, नाली है, और जो हजारों लोगों की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है मंदिर में आने वाले भक्तों की, कल इतना पानी आ गया कि हनुमान जी की पूरी मुँह तक मूर्तियाँ डूब गई, पूर आ गई ये समझ लो। जरा सी बारिश में ये पानी आ जाता। शासन प्रशासन कई बार हमने आवेदन दिए और या इसकी जानकारी दी, लेकिन फिर आज तक कुछ नहीं होता। आयुक्त साहब भी आए, उन्होंने देखा और बस उसके बाद अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। और 2005 के पूर्व से हम आवेदन देते चले जा रहे हैं। वो गटर का पानी पूरा मंदिर में घुस जाता, हमारी आस्था में ठेस पहुँचती, हम कितना निकालें। अभी मौके पर आप देख लें, पूरा मलबा पड़ा हुआ अंदर नीचे, गंदा वाला। गोधूली वृद्धाश्रम में इन दिनों श्रीमद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। गौर से देखिए, ये वो बुजुर्ग हैं जो इनके अपनों से दगा खाकर मजबूरी में वृद्धाश्रम पहुंचे हैं। अपनों ने ठुकराया तो जमाने के सामने आंसू भी ना बहा सके। ये वो बुजुर्ग हैं जिनकी अपनी संतानों ने ही दर दर की ठोकरें खाने के लिए इन्हें छोड़ दिया था, लेकिन नगर निगम छिंदवाड़ा, गणराज वेलफेयर सोसाइटी और हरिहर मिलन समिति के प्रयासों ने इन बुजुर्गों की जिंदगी में भक्ति रस का ऐसा आनंद भर दिया कि सचमुच ऐसा लगा कि सच ही कहा है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। ये माला रंग माजी ने पहनी।
संत पुजारी संघ इन दिनों देश प्रदेश में संत समाज पर आए दिन हो रहे हमलों और अत्याचार की वारदातों से परेशान हैं। आबकारी कार्यालय के पीछे स्थित शिव मंदिर प्रांगण में संत पुजारी संघ की बैठक संपन्न हुई, जिसमें देश प्रदेश में संत महात्माओं की हत्या, जानलेवा हमलों और अभद्र व्यवहार की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए निर्णय लिया गया कि संगठन 12 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर अपनी मांगे रखेगा। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के माध्यम से इस समय देश में जो घटनाएं साधु महात्मा ब्राह्मणों के साथ और पुजारियों के साथ जो दुखद घटनाएं घट रही है और संतों के साथ भी जो अमानवीय व्यवहार हो रहा है, तो उसके विरोध में मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ कल ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात शासन प्रशासन और सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है और सरकार से और प्रशासन से निवेदन है कि आने वाले समय में इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ऐसा कोई कानून बनाए जिससे कि हमारे देश के संत पुजारी और महात्मा लोग सुरक्षित रहें और उनकी रक्षा की व्यवस्था का जो दायित्व है वह सरकार ले, ऐसा मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ सरकार से और प्रशासन से ये आग्रह करता है, निवेदन करता है। बहुत बहुत कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर एवं अधिकारियों की मौजूदगी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चुनाव से अप्रभावित जिलों के 308 ग्राम पंचायत भवनों सहित निर्माण कार्यों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। ये पंच परमेश्वर की राशि 14वें आयोग की राशि तत्काल रिलीज करके पंचायतों को दी जाएगी ताकि गांव में फिर से विकास की गंगा बह सके, फिर से निर्माण के काम हो सके। और आज मुझे खुशी है, आज जो कुछ कामों का लोकार्पण हो रहा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पंचायत भवनों, सामुदायिक भवनों एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के डिजिटल लोकार्पण हेतु अनुरोध करता। अनगढ़ हनुमान मंदिर में बाल ब्रह्मचारी संत श्री नागेंद्र जी द्वारा विष्णु पुराण कथा प्रवचन सत्संग प्रारंभ है। तो उस समय पर मैया सोचने लगी कि कभी तो ये बाबा अलग होगा और आगे के दरवाजा खोल दो। 150 दरवाजे खोल करके देखी यशोदा जी ने, पर हर दरवाजा के सामने भगवान शंकर धूनी लगा करके बैठे। ऐसे ही बाबा बैठे हुए ऐसा लगता है कि पूरी अपनी गोकुल नगरी में ऐसे अघड़ कोई नागा महात्मा आ गए। इतने ये मेरा लाला रो क्यों रहा है? कहा मैया एक काम कर, ये बाबा वैराग्यों की किसी की नजर लग गई होगी, इसलिए तू नजर उतार दे। और नजर उतारी को तैयार नहीं। अब इधर भगवान भोलेनाथ ने देखा कि बहुत देर से, सोचा कि अब एक काम करो,
कि कन्हैया जब रो रहे हैं तो मैं भी यहाँ पर रोना शुरू कर देता हूँ। तो भगवान शंकर भी जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे। इधर भगवान भोलेनाथ का रोना बंद हो तो कन्हैया रोना शुरू करे। मैया मन में विचार करने लगी, आज कैसी मुसीबत हो गई, जा रहा हूं और तेरे लाला का रोना बंद नहीं होगा जब तक तू दर्शन नहीं कराए। कि इष्ट देव है बालकृष्ण, इसलिए दर्शन करने आए थे। परमात्मा किसी के साथ में भेद नहीं करता, जो जिस भाव से परमात्मा को मानता है। बालकृष्ण की लीला में एक अवतार की कथा। और अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर फिर आज की हेडलाइंस पर। जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं की हुई बैठक, पूर्व विधायकों सहित वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख की जयंती मनाई गई, कोफली बाड़े में हुआ सभा का आयोजन। पानी हर हाल में बना आफत, कभी पानी को तरसा शहर तो कभी पानी में बह गई गृहस्थी। और खून के रिश्तों ने दिया दगा तो मिला भगवत भक्ति का सहारा, गोधूली वृद्धाश्रम में आनंद के दर्शन। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।